एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे काय स्क्वाड टेस्ट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इग्नू का स्टैट्स के लिए। MAPC 006 में स्टैट्स का ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है। तो हम लोग इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि कैसे स्टेप वाइज स्टेप कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। एंड ये सिर्फ MAPC के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि और भी जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टैट्स हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में से ही एक क्वेश्चन है MAPC का, तो आप देख सकते हो इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे कैटेगरी वाइज दिया रहता है, देन यहाँ डेटा दिया रहता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम लोग को एक टेबल बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग ऑब्जर्व टेबल कहते हैं। इसमें क्या है कि आपको सेम उतार देना है जैसा है, बस इसमें दो कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करना है टोटल का। तो ये टोटल का कॉलम क्या है, तो इधर आपको टोटल करना है और इधर भी आपको टोटल करना है, विच मीन्स 15 + 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20। 10 + 10 20 हो गया। अब इधर से भी आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 25, और इधर हो जाएगा 15। अब जब आप ये दोनों को ऐड करोगे तो भी आपका 40 आएगा, और ये दोनों को ऐड करोगे तो भी आपका 40 ही आएगा। तो इस ऑब्जर्व टेबल में सिर्फ आपको टोटल करना है। ये जो 40 आया इसको हम लोग ग्रैंड टोटल कहते हैं। ये ग्रैंड टोटल यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, ये आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके बाद आपको बनाना है और एक टेबल। एक ऑब्जर्व टेबल हम लोगों ने बना लिया, अब एक टेबल बनाना है जिसको हम लोग एक्सपेक्टेड टेबल कहेंगे। अब एक्सपेक्टेड टेबल कैसे बनता है, तो जैसे जेंडर में मेल फीमेल लिखा हुआ था वैसे लिख देना है, यस नो लिखा हुआ था वो भी लिख देना है। अब जो जो नंबर्स दिए हुए थे हम लोगों को 15, 5 और 10, तो 15 को जैसे हम लोग एक्सपेक्टेड 15 निकालेंगे, मतलब एक्सपेक्टेड 15 का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे देखना है 15 के सामने में टोटल कितना है और 15 के नीचे में टोटल कितना है। तो जैसे 15 के सामने में टोटल है 20, तो यहाँ पे हम लोगों ने 20 लिखा मल्टीप्लाइड बाय इसके सामने वाला टोटल कितना है 25, तो 20 × 25, और इसको डिवाइड कर देना है ग्रैंड टोटल से। तो ग्रैंड टोटल हम लोगों का कितना निकला था 40, तो 20 × 25 डिवाइडेड बाय 40। जो भी आंसर आपका आएगा वो यहाँ पे आपको लिख देना है। नेक्स्ट वैसे ही नेक्स्ट वाले नंबर का निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू। 5 का जैसे निकालना है तो कैसे निकालोगे, 20 × 15 डिवाइडेड बाय 40, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो जो इसका वैल्यू आ जाएगा वही आपको देख के लिखना है, इधर उधर मत लिख दीजिएगा। तो सारे वैल्यूज को लिखने के बाद, मतलब कैलकुलेट करके लिखने के बाद, आपका जो ये एक्सपेक्टेड टेबल है वो रेडी हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जर्व टेबल बनाया जिसमें सिर्फ टोटल करना था। सेकेंड वाला क्या बनाया, एक्सपेक्टेड टेबल। याद रखना है ये जो कैलकुलेशन हमने किया है ये भी आपको वहाँ पे लिखना है इस वाले टेबल के नीचे, क्योंकि इग्नू में स्टेप मार्किंग्स होते हैं। जैसे मान लीजिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने नॉर्मली ये टेबल बना दिया, ये कैलकुलेशन नहीं दिखाया, तो वो उस पर आपका स्टेप मार्किंग में आपका मार्क्स कट सकता है, फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके आपको डिटेल में अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, तो ये मत भूलिएगा, क्योंकि नहीं तो एग्जामिनर बोलेंगे ये वैल्यू जो है कहाँ से आया। तो इसलिए आपको ये शो करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व टेबल बन गया, एक्सपेक्टेड टेबल बन गया। अब ये वाला टेबल बनाना है, थर्ड वाला टेबल। अब ये किस पे डिपेंड करता है, तो काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे आपको दिखेगा, समीशन फिर ब्रैकेट है फिर ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। तो इस वाले फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाला टेबल बनाएंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ नीडेड है, इस फॉर्मूला को हम लोग तोड़ेंगे तो इसमें क्या क्या चाहिए। ओ है, ओ लिख दिया हम लोगों ने, ओ मतलब ऑब्जर्व्ड, ई मतलब एक्सपेक्टेड, ई लिख दिया। अब क्या है, इसको तोड़ने के बाद ओ ओ आ गया, ई आ गया, अब चाहिए ओ माइनस ई।
तो ओ माइनस ई हम लोगों ने लिख दिया। अब ओ माइनस ई का होल स्क्वायर है तो वैसे ही ओ माइनस ई का होल स्क्वायर लिख दिया। ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, वो भी हम लोगों ने लिख दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने फार्मूला को एक टेबल के वे में इसको तोड़ दिया है। इस टेबल के थ्रू हम लोग इस फार्मूला को सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, और भी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के और भी जो जो भी है टी टेस्ट है और भी जो भी टेस्ट है, वो भी ऐसे ही फार्मूला को आप अगर तोड़ के टेबल में बनाओगे तो वो इजीली आपका एक सॉल्व हो जाता है, एंड ये स्टेप मार्किंग में आपको भी मार्क्स फुल मिलेंगे। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। इस वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इस फार्मूला को याद कर लो। ये फार्मूला के बेसिस पे ये बनेगा। ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तो टेबल भी आपसे नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग ओ क्या क्या है, ऑब्जर्व टेबल में हम लोग को मिल जाएगा। ओ में हम लोग को याद रखना है, ये टोटल वाला जो हम लोगों ने निकाला है ये नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में पहले से था 15, 10, 5, 10, इसको हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 15, 5, 10 एंड 10। ये चार चीज़ दिया हुआ था तो ये चार ही चीज़ लिखना है। इसके बाद इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी। अब 15 की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी, अच्छे से देख के लिखना है। यहाँ पे ही बच्चे कंफ्यूज होके गलत लिख देते हैं। ये लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करते हो बहुत टाइम, कि ये वाला जो है इसको डायरेक्टली आप 12.5 बिना देखे ऐसे लिख देते हो। नहीं, जो 15 की वैल्यू आई है वही लिखना है। जैसे 5 की वैल्यू जितनी है उतना ही आपको लिखना है देख के। 10 की वैल्यू क्या आई थी, 12.5। उसके बाद फिर 10 की वैल्यू कितनी है, 12.5। ऐसे ही आपको ये लिख देना है। ये तो आपको टेबल से ही मिल गया। इसके बाद कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन भी क्या है, आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, ओ माइनस ई, तो 15 माइनस 12.5। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, 15 माइनस 12.5 आपका आ गया 2.5। वैसे ये आ गया -2.5। ऐसे यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि ये 5 इससे छोटा था एंड ओ माइनस ई है, सो यहाँ पे माइनस आया है आपका। नेक्स्ट फार्मूला में देखिए, ओ माइनस ई का होल स्क्वायर है। क्या है, ओ माइनस ई का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो ओ माइनस ई हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अब बस इसका क्या कर देना है, होल स्क्वायर, मतलब 2.5 का होल स्क्वायर, 6.25 हो जाएगा। ऐसे ही सबका निकाल लेना है। अब माइनस कहाँ गया, तो माइनस माइनस प्लस होता है, हम लोग जानते हैं, इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ओ माइनस ई का होल स्क्वायर निकल चुका है। देखिए, इस फॉर्मूला में से ये निकल चुका है, बस इसको ई से डिवाइड देना है। तो ओ माइनस ई का होल स्क्वायर को ई से डिवाइड देना है, मतलब 6.25 को डिवाइड देना है 12.5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5। ऐसे ही सबका निकालना है, 6.25 को डिवाइड देना है 7.5 से। तो सारा डिवाइड देने के बाद आपका ये वैल्यूज़ आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप फॉर्मूला में देख सकते हो समीशन। समीशन मतलब क्या हो जाता है, सारी चीज़ का एडिशन। यहाँ पे क्या है, किसका समीशन, तो ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई का समीशन, मतलब ये जितना भी आया है उसका टोटल। तो इस वाले जो वैल्यूज़ है, ये जो जितने भी वैल्यूज़ आए हैं, इसका हम लोग टोटल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे सबको, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.666। ये रह गया हम, ये आ गया हम लोगों का आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों को पहले फार्मूला को लिखना है, उसके बाद आंसर को लिख देना है। इस वे में हम लोगों ने इस फार्मूला को टेबल के थ्रू सॉल्व किया है। याद रखिएगा, जब भी आप लोग का आंसर आ जाता है उसके बाद इसको एक बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि आपका पेपर भी क्लीन लगे एंड एग्जामिनर को डायरेक्ट आपका आंसर भी दिख जाए। इससे आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्टेप है ऑब्जर्व टेबल बनाना, जिसमें आप लोगों को सिर्फ ऐड करना है, टोटल लाना है, ठीक है। सेकंड स्टेप है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना। वो कैसे निकालेंगे, तो जिस वाले मतलब 15 का जैसे हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, तो इसके सामने वाला जो है और इसके नीचे वाला जो टोटल है उसको इनटू कर देंगे और डिवाइड कर देंगे ग्रैंड टोटल से, तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5। वैसे ही सारे का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल देना है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। हमेशा याद रखना है, ग्रैंड टोटल से ही डिवाइड देना है। थर्ड स्टेप है, हम लोगों को फॉर्मूला को पुट करना है एक टेबल के फॉर्म में, ब्रेक करके, और उसके बाद उसका टोटल निकालना है। क्या है, ओ जो है
ओ क्या है, ऑब्जर्व्ड, ओ फॉर ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड यहाँ से जो क्वेश्चन में था वही नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं। अब उसके एक्सपेक्टेड वैल्यूज लिखने हैं जो कि हम लोग को एक्सपेक्टेड टेबल से मिल जाएंगे। फिर ओ माइनस ई करना है, उसके बाद जितना आया उसका होल स्क्वायर करना है। अब ये होल स्क्वायर वाला आ गया तो इसको डिवाइड दे देना ई से। ई कहाँ से मिलेगा, ई यहाँ पे है, ठीक है। अब क्योंकि फॉर्मूला में समीशन है तो इन सबको ऐड करके जितना भी आंसर आएगा आपका वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टेप 4 में आपको ऐसे फॉर्मूला लिख के आंसर लिख देना है। सो दैट्स इट गाइस, यही था। अगर आप इतना सब बना लेते हो तो इतना सा के लिए आपको 10 या 10 मार्क्स मिल जाता है, 10 या 6 मार्क्स मिलते हैं। तो आप सोच सकते हो अगर ये वाला आप प्रैक्टिस करके जाओगे, एंड हर ईयर एमएपीसी का पेपर मैंने देखा है, हर ईयर मतलब जून में भी दिसंबर में भी जनरली ये काई स्क्वायर का आता ही है, और इस साल भी आपका जून में आ चुका है। सो होपफुली ये दिसंबर में भी आएगा ही। सो आप इसको इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ही कैलकुलेट करना, एंड ये अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा इतना सा करने के लिए। तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, इजीली स्कोर कर सकते हो। सो इसको प्रैक्टिस कर लेना, एंड और भी जितने भी टेस्ट है उसकी भी वीडियोज़ मैं जल्दी ही लाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।